इज आरती मदान, वेलकम टू माय चैनल। त्योहारों का सीजन चल रहा है और हम बहुत सारे डेजर्ट्स और मिठाइयाँ बना रहे हैं। यहाँ आपको मेरी प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस मिलेंगी। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू। जी हाँ, ये रेसिपी सब बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट लड्डू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आज की रेसिपी। बट मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे ये आपके कोकोनट लड्डू बहुत ही डिलीशियस बने। इसके लिए हमें चाहिए ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट, घी, दूध और चीनी। सबसे पहले हमें कढ़ाई में डालेंगे घी। आप ध्यान रखें, आप जो भी कढ़ाई ले उसका बॉटम बहुत हैवी हो, तला उसका मोटा हो, ताकि आपका कोकोनट चिपके नहीं। अब इस पे डालिए ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। आपको ये कोकोनट किसी भी किराने की शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसको कुक करेंगे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes, ताकि घी अच्छे से मिल जाए और आपको कोकोनट का एक नटी फ्लेवर अरोमा भी आने लगेगा। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद हमें कोकोनट को कुक करना है जब तक आपका सारा दूध कोकोनट अब्सॉर्ब कर ले। कुछ टाइम के बाद जब ये दूध अब्सॉर्ब कर लेगा, आप देखेंगे इसका जो टेक्सचर है वो क्रम्बली होने लगेगा, जैसे कि अब आप देख सकते हैं। इस गिवन पॉइंट में हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद आप ध्यान रखें, आप लगातार इसको हिलाते रहें, ताकि आपकी चीनी और कोकोनट पैन के साथ चिपके नहीं। और हम इसको कुक करेंगे जब तक चीनी अपना सारा पानी छोड़ दे। अभी ये मिक्सचर बहुत लिक्विडी हो गया है बिकॉज चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। बट हम इसको कुक करेंगे जब तक ये सारा मिक्सचर जो चीनी का है, जो सारा लिक्विड है, वो कोकोनट मिक्सचर अब्सॉर्ब कर ले। इस गिवन पॉइंट पे हमारा कोकोनट कढ़ाई के साइड में लग रहा है और बहुत लिक्विड क्रमली है। बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा, ये कोकोनट एक बॉल फॉर्म में, स्ट्रक्चर में फॉर्म होता जाएगा और कढ़ाई से लगना भी बंद हो जाएगा। ये देखिए, हमारा कोकोनट अभी ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसका एक बॉल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और ये कढ़ाई से भी नहीं चिपक रहा। आप ध्यान रखें, कोकोनट को बहुत अच्छे से पकाएं, बिकॉज कई बार क्या होता है, जब हम कोकोनट के लड्डू या बर्फी बनाते हैं और हम कोकोनट को कुक नहीं करते, तो वो जो ड्राइड कोकोनट का टेस्ट है वो बहुत अच्छा नहीं लगता। उससे आपकी मिठाई थोड़ी ड्राई लगती है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने मिल्क और शुगर के मिक्सचर को अच्छे से कुक करें। हमारा कोकोनट लड्डू का मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। हमारा मिक्सचर 10 मिनट तक ठंडा हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे किसी भी साइज के लड्डू बनाएं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, आप इस मिक्सचर को पूरा ठंडा नहीं करें, उससे आपके जो लड्डू हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे, वो क्रम्बली हो जाएंगे। तो थोड़ा गर्म होना चाहिए, इतना ताकि आप अपने हाथ में लड्डू का मिक्सचर डाल के इजीली लड्डू बना सकें। अब धीरे धीरे करके मैं सारे लड्डू बना के रेडी रखूंगी। उसके बाद हम इसको कोट करेंगे ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट में। हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। अब हम इसको रोल करेंगे कोकोनट के अंदर। आप ध्यान रखें, आप जब भी इनको रोल करें कोकोनट में, आप बहुत जोर से ना करें, वरना आपके लड्डुओं की शेप थोड़ी बिगड़ सकती है। तो थोड़े हल्के हाथ से, थोड़े प्यार से आप इसको मिलाएं और इसी तरह से आप अपने सारे लड्डुओं को रेडी करें। ये बहुत ही डिलीशियस है, खाने में बहुत ही क्रीमी और स्मूथ है। इस फेस्टिव सीजन आप इसको बनाएं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये कैसी लगी, और ये वीडियो को जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ
शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं लगातार आपके साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर करती रहूंगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती मदान। कीप एंजॉयिंग गुड फूड।